Students, a very good morning, all of you, and I hope that you had given a very good test yesterday. है ना? Questions मैंने आपको छोटे-छोटे questions बना के दिए थे, और questions बड़े easy थे. मैंने check भी किया है. मैंने एक section की copies मेरे पास जैसे-जैसे आई मैं check करती चली गई. I found that many of you have given a very good answers. I hope it was a very good test, first online test था. जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया experience था. Anyways. हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था माय बॉडी, और हम लोगों ने पहला शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वी हैड स्टडीड अबाउट हाउ आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हिच आर द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड. और उसी तरह से हम लोगों ने शुरू किया था द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द माउथ डाइजेशन, है ना. तो व्हाट डज अ माउथ कंप्राइज ऑफ, क्या क्या है उसमें. वी हैव गॉट अ टंग, वी हैव गॉट टीथ, वी हैव गॉट सलाइवरी ग्लैंड्स. हम लोगों ने लास्ट क्लास जो लिया था, वी हैड स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. वी हैड स्टडीड दैट वी हैव गॉट टू सेट्स ऑफ टीथ इन आवर होल लाइफ टाइम, एंड इट इज द टू सेट्स ऑफ टीथ आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. एंड वी हैड ऑल्सो सीन द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ टीथ. देखा था ना अंजलि कुमारी, डू यू रिमेंबर कि क्या डिफरेंस है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में, कैन यू डिफाइन, बता सकते हैं. अंजलि अनम्यूट करो, अंजलि कुमारी अनम्यूट यू सर. लास्ट क्लास जो हमारा था ऑन फ्राइडे, हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और टू सेट्स ऑफ टीथ. टू सेट्स ऑफ टीथ इन वंस लाइफ टाइम होता है, एंड दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, अंजलि बता पाएंगी. मैम मिल्क टीथ कौन बताएगा, कौन मुझे बताएगा, रेज योर हैंड दोज हु नो द आंसर. अनमोल सिद्धांत मुझे दिख रहा है. ओके जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको गैलरी में. हाँ कौन बोलेगा, हाँ तो संस्कृति यादव तुम्हारी कल कॉपी आई है, आपने कॉपी जमा किया है कल. संस्कृति yes, आपकी कॉपी जमा नहीं हुई है. मैम मेरे पास ना क्लास का कोई ग्रुप नहीं है. हाँ जी मैम मेरे पास क्लास का कोई ग्रुप नहीं है. क्यों ऐसा है मैम मुझे नहीं पता. तो फिर आप तो एग्जाम नहीं दिए, आपके अटेंडेंस तो नहीं आएंगे, आपको मुझे भेजना चाहिए था इन दैट केस. यस मैम. Okay, you send the answer to me today, huh? Okay, Utkarsh Pandey, bolo. Utkarsh, jawab. What is the basic difference between milk teeth and permanent teeth? Yeah, ma'am. What is the difference between milk teeth and don't waste the time. हम लोग ये revise कर रहे थोड़ा सा, हमें आगे भी पढ़ना है. बोलो. Milk teeth are the teeth with milk teeth are the teeth which appear when the baby was 6 months, and the permanent teeth grows between the age of 66 and 12 years. Okay, ke ude second difference bolo, ke ude second difference bolo. The permanent teeth grow between the age of Utkarsh Pandey bol chuka hai ke ude 12 years ke ude, iska matlab class mein tum attention mein nahi ho. Same question, same jawab Utkarsh ne de diya hai. I want the second difference. Anjika Kumari do dusra difference bolo. Yes ma'am. इतना सारा डिफरेंस बताया आप लोगों को, आप लोग इसको लर्न नहीं किए. ओके चलो, तो ये तो थी दांत की बात. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है टंग, हमारे मुंह माउथ का. व्हाट इज टंग? ओके टेक आउट पेज नंबर 3 ऑल ऑफ यू. टंग, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन मीनवाइल, बाकी बच्चे अपना बुक निकालेंगे.
ओके, बुक निकालिए आप लोग और जस्ट अ मिनट वेट करते हैं, बुक पीडीएफ खुलता है तब तक। और ये हमारा सेकंड ऑर्गन है ना, सेकंड माउथ में जो हमारा बताया हमने आपको कि माउथ वी हैव गॉट टीथ, वी हैव गॉट टंग, वी हैव गॉट सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमने देख लिया, अभी देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टंग, टंग का क्या फंक्शन है। ओके चलो सारे बच्चे पेज नंबर 3 निकालेंगे, स्लो। Just a minute, ये क्लास 3 का पीडीएफ खुल गया है। Anyways, कह रहे हैं, what is tongue? Tongue is a soft and movable part inside our mouth. It is used for tasting, licking, speaking. सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को। We have studied in class 3 the different sense organs. याद है ना? हम लोगों ने sense organs पढ़ा था। उसमें ये देखा है कि what is tongue? देखो, what is tongue? प्रियांशु रंजन आपको दिख रहे हैं? Can you see the screen? Okay. A tongue is a movable part, soft part inside our mouth. It is used for tasting, licking and speaking. आप taste करते हैं, lick, we do it, lick the ice creams and all, है ना? And we, it is used for speaking as well. T, बोल के दिखाओ बिना tongue के use के, no. L, we cannot use. There are certain letters जो हम टंग यूज करके ही कर सकते हैं, ट ठ ड, टंग इवन, यानी वी नीड टू हैव अ टंग फॉर स्पीकिंग, हम बोलने के लिए भी। आप सोचिए कि बिना टंग को यूज किए क्या आप बात कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू दैट, वी नीड टू हैव अ टंग। सो टंग हेल्प अस इन स्पीकिंग एज वेल। ओके, इसके अलावा इट हेल्प्स टू पुश द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग। हमने खाना मुंह में ले लिया, देन आई गॉट द फूड इन माई माउथ, I chewed it properly, but I given a cut to it, chewed it properly. Now what will happen to this food? This food will be swallowed. हमें इसको swallow करना है. Now how would we swallow it? This tongue will help to push the food back. ये tongue जो हमें खाने को पीछे पीछे की तरफ यानी food pipe की तरफ push करने में help करेगा. It will help the food to be pushed in the food pipe. ठीक है, यहाँ देखिए, it also pushes the food into the food pipe at the time of swallowing. इसके बाद do you know में है इसके sensory parts के बारे में। तो ये आप लोग 3 में पढ़े हैं कि हमारा जो tongue है it is sensitive to the taste. तो जो front part है, सामने वाले part है, you can see over here, this part is sensitive to sweet taste. ये है salty, ये है sour, और पीछे के back side में we get the senses of bitterness. पढ़ा है ना के, तो डू यू रिमेम्बर, याद है क्लास 3 में हम लोगों ने इस टंग को बनाया भी था, एंड वी हैड रिटन द डिफरेंट टेस्ट, हम लोगों ने कलर किया था, हम लोगों ने कलर किया था सॉफ्ट, सॉल्टी, सार, बिटर एंड स्वीट टेस्ट को, है ना? तो ये हमारे इसके टंग के बारे में है। नाउ अलोंग विद द पेयर ऑफ टीथ एंड टंग, हमारे इस दांत और टंग के अलावा वी हैव गॉट 3 pairs of salivary glands. मेरी आवाज आप तक आ रही है केवुदे? Can you hear me? आपकी आवाज नहीं आ रही, अब जोर से बोले। Yes, ma'am. Thank you. Okay. So, along with this teeth and the tongue, हमारे मुंह में we have got salivary gland. मैंने आपको उस दिन कहा था कि we have got these 3 pairs of glands in our mouth, जो कि आपके मुंह को क्या रखता है? वेट, भींगा, आपके मुंह को भींगा रखता है, भीगा भीगा रखता है, वेट वेट रखता है ना? वट एवर फूड यू आर टेकिंग, आप देखेंगे आपने पानी नहीं पिया है बट आपका फूड जो है वो सॉफ्ट बनता चला जाता है। सम सिक्रीशन इज देयर फ्रॉम द ग्लैंड, इसको हम सलाइवा कहते हैं, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे खाने के जो क्या कहें उसको इनसॉल्युबल स्टार्च है उसको सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, देखो, digestion of food begins when we put the food in our mouth. The teeth help in breaking the food into smaller pieces. मुझे पता है कि हमारा दांत जो करता है हमारे खाने को smaller pieces में डालता है, तोड़ता है,
before chewing it. And here the saliva mixes with the food. हमारे मुंह में जो saliva है वो खाने के साथ mix करता है. अब खाने के साथ कोई पानी mix करेगा तो खाना क्या हो जाएगा? It will become क्या होगा? क्या होगा के उदय? जो लोग अनम्यूटेड है वो जवाब दो. हम खाने में अगर किसी भी सब्जी में किसी भी चीज में अगर पानी मिलाते वो क्या हो जाएगा? संस्कृति यादव? यस गुड. तो इट विल बिकम फूड, द फूड विल बिकम सॉफ्ट. हम जो भी खाना खा रहे हैं तो वो खाने को सॉफ्ट बना देगा. और अलोंग विद दैट इतना ही नहीं करेगा, हमारे खाने में जो सॉल्युबल स्टार्च है, इनसॉल्युबल स्टार्च, हम स्टार्च ले रहे हैं ना, हम लोग आटा रोटी ले रहे हैं, चपाती ले रहे हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल शुगर. फॉर एग्जांपल देखो, आप आज ये काम करके देखना, आपने एक रोटी का टुकड़ा लेना है और उसको बिना कुछ सब्जी के, मतलब आप एक टुकड़ा लो रोटी का एंड यू च्यू इट, सिर्फ उस रोटी को. अगर आप कुछ देर तक उसको रोटी को चबाते हैं, यू विल फील दैट योर चपाती इज टेस्टिंग स्वीटर, मीठा. करके देखो आज सबको एक बार एक्सपेरिमेंट, फॉर अ चेंज आप एक्सपेरिमेंट कीजिए. आज रात में या मम्मी लंच में अगर रोटी बनाती है, आपने सब्जी नहीं लेना है, सिर्फ रोटी को चबाना है उसको. रोटी को एक टुकड़ा लिया और उसको चबाते रहें. आप कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद देखेंगे द टेस्ट उसका जो है वो स्वीटर बन जाता है. क्या होता है? सलाइवा उस रोटी के साथ मिलके उसको सॉल्युबल शुगर में बनाता है. एंड शुगर इज स्वीटर इन टेस्ट, है ना? Saliva converts this insoluble starch into soluble sugar. You must have noticed when you chew a chapati for a longer period, it starts tasting little sweeter. This is due to the action of saliva on your food. अभी जो बताया मैंने आपको, हमारे खाने में ये saliva क्या करता है? उस खाने को sweeter बनाता है. Sweeter मतलब उसको sugar में convert करता है. तो अगर हमने रोटी को लिया है और उसको चबाते रहेंगे, कुछ देर के बाद हमको रोटी जो है वो मीठी लगेगी. यही रीजन है जो सलाइवा क्या करता है, उस खाने को शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खाने को हजम करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई यू आर बीइंग आस्क्ड टू च्यू द फूड प्रॉपरली. खाने को खूब चबाओ, खूब चबाओ. हम जितना अच्छा खाने को चबाएंगे उतना पहले ही वो खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा. आप ये जान के रखिए, वॉट एवर फूड वी आर टेकिंग, चाहे वो कुछ भी खा रहे हो, चाहे वो एग ले, बटर ले, दूध ले, रोटी ले, चावल ले, दे आर फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. आप उसके लिए बहुत छोटे हैं अभी, बट ये जान के रखें कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. हम खाना खाते क्यों है? व्हाई डू वी टेक फूड? ताकि हम ग्रो कर सके, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. तो आप जान के रखिए, वॉट एवर फूड वी आर टेकिंग, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, इट विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. And glucose is sweeter in taste. ठीक है, तो finally it will get converted into glucose. और glucose का taste कैसा होता है? Sweeter. तो saliva पहले ही इस खाने को partially digest कर देता है, अगर हम खाने को बेहतर तरीके से चबाएं. Okay? The more we chew the food, the more it gets mixes with the saliva, and the more it is digested. हमारा खाना जो है, वो partially, मैंने completely नहीं कहा है. It is partially, मतलब बहुत हद तक खाना properly digest हो जाता है अगर हम खाने को properly चबाए. तो ठीक है, this is due to the action of saliva on our food. It's very important to chew the food properly for the proper digestion of food. यानी हमारा खाना properly digest हो, इसके लिए क्या है? हमें खाने को बहुत अच्छे से चबाना पड़ेगा. Because the more we chew, the more saliva gets involved in it. The more saliva gets क्या कहें, mixed in it. Okay, अब हमने खाना खा लिया, हमने खाने चबा लिए, हमने टीथ का काम कर लिया, हमने टंग का काम कर लिया, सलाइवा का काम कर लिया. अब क्या होगा? इस खाने को जो मैंने चबाया है, इट हैज टू बी पुश्ड इनटू द फूड पाइप. सही है के उदय? आर यू फीलिंग बोर्ड? बोरिंग हो रहा है? हाँ, बोरिंग हो रहा है. नहीं, खाने की बात हो रही है क्या मैम? खाने की बात कर रही है तो गंदा बात है. नहीं, आपको जानना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा. ओके, हमने खाना चबा लिया, अब ये खाना कहाँ जाएगा? वेयर विल इट गो? स्टमक. डायरेक्ट गले से, मैंने मुंह से खाना लिया नहीं और स्टमक में पहुंच गया. फूड पाइप. ओके, तो हमने खाना चबाया है अभी, इट इज स्टिल देयर इन आवर माउथ. अब ये टंग क्या करेगा? इट विल पुश द फूड इनटू द फूड पाइप. अब ये टंग क्या करेगा? उस खाने को फूड पाइप में भेजेगा, यानी यहां से इट विल कम टू दिस पाइप. हम इसको कहते हैं ओइसोफेगस. देखिए आप अंडरलाइन करेंगे, मैंने अभी कहा है आप लोगों को. ओके,
the food now enters into the food pipe, and from this food pipe, it will enter into the stomach. अब यहां से खाना food pipe से होते हुए कहां पहुंचा है? Confusion? Are you in confusion? थोड़ा जोर से बोलो. आयुषराज अनम्यूटेड है. हमने खाना चबा लिया, हमारे खाने का टंग का काम हो चुका, खाना फूड पाइप पे आ गया. फ्रॉम हियर वेयर विल द फूड गो? फूड पाइप. स्टमक. यस, फूड पाइप से तो हो गए, फूड पाइप क्रॉस कर लिया, फूड पाइप को टंग में. स्टमक. हां, इट विल गो टू द स्टमक. नाउ व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. सी डाइजेस्टेशन का यहाँ पिक्चर. देखो ये हमारा स्टमक है, हमने खाना चबाया, माउथ में हेल्प हुआ, यहां से खाना आया फूड पाइप. दिस इज द फूड पाइप. आई होप यू कैन सी दिस. यस मैम. आपको स्क्रीन में दिख रहा है? यस मैम. थोड़ा बी लाउडर बॉयज. सारे बच्चे थोड़ा जोर से बोलो जिनको भी मैंने अनम्यूट रखा है. आयुष. ओके, थैंक यू. यस मैम. ओके, द फूड नाउ फ्रॉम दिस माउथ द फूड हैज एंटर्ड इनटू दिस फूड पाइप एंड वी कॉल दिस फूड पाइप एज ओएसोफेगस. क्या कहते हैं इसे? स्पीक इट अप. यू मस्ट नो द साइंटिफिक टर्म्स. आपको ये जानना पड़ेगा. इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ओएसोफेगस. ओके, यहां फूड आ गया, यहां से ये फूड जा रहा है स्टमक. द फूड हैज एंटर्ड इनटू दिस स्टमक. ओके, फूड आ गया है हमारे स्टमक. देखो माउथ से हमने इसको खाने को चबाया, यहां से ये फूड पाइप में आया. नाउ इट हैज कम टू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक. सही है? के उदय, वेयर आर यू गोइंग? Now see, the food goes into the food pipe and enters the stomach, and the stomach is a muscular bag-like structure where food is stored for few hours. यहाँ पे ये खाना कुछ घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक ये खाना इस यहीं पे रहता है. ओके, और क्या रहता है? तो फिर सोया रहता है? नहीं, यहाँ पे ये फूड जो स्टमक के वॉल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. Some digestive juices are being secreted from this wall of stomach. कुछ वॉल्स डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और यहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, यहाँ पे खाना जो है वो पार्शियली ये खाने के साथ मिक्स होता है और खाने को और डाइजेस्ट कर लेते हैं. और यहाँ से अब ये खाना कहाँ चला? खाना पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस कॉल्ड वन. ये कॉल्ड स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होता है. एक साड़ी से लंबी आपके पेट के अंदर ये इंटेस्टाइन में ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. ओके, सो हमारा खाना जो है जो डाइजेस्टिव जूसेस का साथ मिक्स हुआ है, खाना कुछ पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है, यहां से ये खाना कहां पहुंचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. आप देख सकते हैं यहां पे दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. कैन यू सी दैट? हां या ना? यस मैम. यस मैम. ओके, ये कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है. इट इज ऑफ 7 मीटर इन लेंथ. ये हमारे पेट के अंदर 7 मीटर लंबा है. ओके, और देखेंगे आप ये इतना कॉइल्ड है, ये 7 मीटर लंबा है और इसमें पूरा खाना ट्रैवल करता है. और जब ये ट्रैवल कर रहा होता है तो इससे देखो यहाँ पे यू कैन सी लिवर. लिवर से कुछ जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. पैनक्रिया से जूस निकलता है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जाके इस खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करवाता है. Completely digest. यहाँ पे खाना जो है वो completely digest हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे ये खाना completely digest हो जाता है. अब खाना digest हो गया, अब क्या हो? What will happen to the food? खाना तो हमने digest कर लिया. नहीं, अब क्या होता है? इसी stomach के small intestine का जो wall है, जो coiled structure है इसके जो wall है, इससे खाने को absorb कर लिया जाता है. खाने के जो main nutrients है, carbohydrate, fat, protein, whatever है, इसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जाके किसको दिया जाता है? ब्लड को. जहां से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ध्यान इस चीज का रखना है कि अब खाने के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए.
अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, इट विल बी पास टू, कहां जाएगा ये खाना जो अनडाइजेस्टेड है वो कहां जाएगा बताओ? वेरी गुड। यस, अब ये खाना जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, हमारे डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो गए और हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिए गए, नाउ इट विल गो टू लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, कैन यू सी दिस, दिख रहा है? यस मैम। ये इसका लेंथ जो है ये बॉडी में थोड़ा मोटा भी है और इसका लेंथ जो है वो छोटा भी है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 7 meters का है तो इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 meters का होता है, 1.5 meter से 2 meter का इसका लेंथ होता है। और यहाँ पे पहुंचा है कौन सा खाना जो अनडाइजेस्टेड, अब उसकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है, ओके? ये खाना वहां पे पहुंचा है। अब ये खाने में इतने जूसेस मिले थे, बाइल जूस, पैनक्रिया से निकला हुआ जूस, ये जो फूड था जो हमने खाया था ये बहुत पतला हो गया, बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है तो यहाँ से ये खाने में ये अंदर जो फ्लूइड है, व्हाटएवर वाटर इज देयर, दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस खाने की जो फ्लूइड है इसको अब्सॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि खाना जो है 4 घंटे स्टमक में है, जहां से वो डाइजेस्टिव जूसेस उसमें ऐड हुआ है, खाने को डाइजेस्ट किया गया है, यहां से ये खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रहे, यहां से ये खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे क्या हो रहा है, खाने के साथ पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से जूस निकलता है और वो जाके मिलता है और खाने को पूरा पूरी डाइजेस्ट करता है। जहां पे प्रॉब्लम हो मुझसे फिर से पूछेंगे, पूरा पूरी डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे खाना जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज ऑफ 7 meters ऑफ लेंथ। एंड व्हाट हैपेंस विद दिस, यहाँ पे द डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, यहाँ से फूड को अब्सॉर्ब किया जाता है बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाने के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेता है। अब जब आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्सॉर्ब हो गया, वहां से ये ब्लड को मिल गया, तो अब जो बचा वो व्हाट इज दैट, इट इज ऑफ नो यूज, अनडाइजेस्टेड फूड है, अब ये हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है। नाउ दिस कंप्लीट अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ ये आ गया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आया, अब चूंकि इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड है, जो खाना है उसमें इतने सारे जूसेस मिले हैं कि खाना फ्लूइड फॉर्म में आया, मतलब सेमी सॉलिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है आयुष, समझ में आया? यहाँ से खाने की वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये जो बचा है अनडाइजेस्टेड फूड, इट गोज टू द रेक्टम, आप देखिए पिक्चर में, इट गोज टू द रेक्टम, यहाँ पे ये खाना रेक्टम में आ जाता है, एंड देन इसके बाद एनस के थ्रू इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी। ये हमारे खाना, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार हम लोग फिर से बुक में आते हैं, पेज नंबर 4, जहां से हम लोगों ने छोड़ा है अभी तक, तो हम बताएं आपको, अब आप पेज नंबर 4 में वापस आइए। सी, हमने यहाँ पे देख लिया स्टमक में खाना हमारा अब्सॉर्ब है, ठीक है ना, खाना यहाँ पे 4 hours तक रहा है, द फूड इज पार्शियली अब्सॉर्ब किया। अब आप देखिए मैंने जो बताया वही है कि नहीं, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको अभी बताया नहीं ये बात कि यहाँ से खाना कहाँ पे आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक दो बच्चों को और मैं अनम्यूटेड रखती हूँ, आशुतोष राज अनम्यूट करो अपने आप। अनम्यूट करें, तो खाना कहाँ आया, फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड इनटू द लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन द लिवर एंड द पैनक्रियास प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। उत्कर्ष पांडे अनम्यूट करो और वीडियो ऑन करो। तो अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो यहाँ लिवर, पैनक्रिया और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं,
Hi, Anna Utkarsh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, the liver and pancreas pour the juices into the small intestine. These juices then get mixed with the food and completely digested in the small intestine. यहाँ पे खाना का complete digestion हो जाता है. कहाँ पे? कौन से organ में? Small intestine. Good. Very good. के उदय एकदम सही जवाब दे रहा है. Very good. Yes. तो small intestine में complete digestion हो जा रहा है. सारा खाने का digestion हमारा जो है वो small intestine में हो गया. Now, अब ये खाना अब ये digest हो. Now what will happen? The walls of small intestine absorb the digested food. मैंने अभी आपको बताया ना कि जो क्या हो गया आयुष अब ये जो खाना digest हुआ now the food is absorbed by the walls of digest small intestine. जो खाना digest हो गया उसको absorb किया गया body में. मैंने खाना है तो वो हमारी body में absorb भी तो होना है. तो ये body में absorb हो गया किसके walls के द्वारा? Small intestine. Keep a pencil in your hand and underline this line. The walls of small intestine absorb the digested food and pass it to the blood. Underline this word. Is line ko underline kare sare bachche log. The walls of small intestine absorb the digested food and pass it to the blood. Usne kya kiya? Pure absorb kiya apne digested food ko aur uske baad blood mein de diya. Aur blood kya karta hai is khane ko? Puri body ke har part mein usko circulate karta hai. Okay, now the food has gone to where? देखो यहाँ से खाना कहाँ पहुंचा? बता दी हूँ मैं, फिर मैं आपको बता दूँ. देखो, यहाँ से ये खाना पहुंचा है लार्ज इंटेस्टाइन. अभी बताया ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अब्सॉर्ब हो गया. Now the food has gone to the large intestine. The undigested food passes into the large intestine. The walls of large intestine absorb the water. अब आपने बताया कि अब यहाँ पे क्या अब्सॉर्ब हो गया? Water. उस खाने में पहले जूस खा स्टमक से जूस मिला था पैनक्रियास से जूस मिला था स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस मिला था तो खाना जो है वो बहुत फ्लूइडी हो गया है. अब क्या हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में इसी फ्लूइड का अब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है. ठीक है इसको अब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है उसके बाद इसको कहाँ पास किया जा रहा है टू द ब्लड. इस फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर लिया गया वाटर को एंड द वाटर इज बीइंग ट्रांसफर टू द ब्लड. ठीक है नाउ दिस अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट underline it again sare bachche underline karo. The undigested semi solid waste is collected in the rectum. Ye kahan collect hua hai rectum mein and is eliminated through the uske baad ye anus ke dwara bahar nikal gaya. Samajh mein aa gaya digestion aaya samajh mein? Yes ma'am. Very good. Now while eating food it is very essential to see what should be eaten and how should be eaten. Yahan pe kuch proper precautions diye hain कि हम जब खाना खाते हैं तो कुछ देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं. ओके व्हाट शुड यू डू? यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. करते हैं? डू यू डू इट? यस मैम. उत्कर्ष पांडे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्लास से रिमूव कर सकते हैं अपने आप को क्योंकि बार बार मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बार बार आप म्यूट कर रहे हैं. दिस इज नॉट गुड. ओके वन शुड वॉश हैंड बिफोर ईटिंग. सेकेंडली यू नीड टू च्यू योर फूड properly before swallowing. अभी मैंने बताया है ना आपके आपको खाने को properly chew करना है. अगर आप properly chew करेंगे तो saliva उसके साथ mix करेगा और हमारा खाना अच्छे से digest हो पाएगा. Then कह रहा है not speak while chewing food. आप chew नहीं करेंगे. You not chew the food while speak while you not speak while chewing the food because just a minute बच्चे लोग just give me a second ओके सो दिस यू नीड टू स्पीक व्हाइल च्यूइंग फूड. आपको बात नहीं करना है व्हाइल च्यूइंग फूड. आपको पता है कि ऐसा एडवाइस क्यों दिया जाता है? क्या किसी को पता है कि क्यों ऐसा एडवाइस दिया जाता है? भाई क्यों नहीं बात कर सकते हम खाते वक्त? मुझे बताओ जो अनम्यूटेड है. हाँ बोलो मैम. क्योंकि उस वक्त हम लोग का खाना मैम उस समय हम लोग का ये और फूड पाइप बहुत नजदीक नजदीक है ना.
हम सांस लेते हैं, ताते हैं कि अभी मुंह से भी सांस लेते हैं ना, तो ये फूड पाइप एंड विंड पाइप बहुत नजदीक नजदीक है. When we talk, when we are chewing food, when we are having our food, अगर हम उस वक्त बात करते हैं तो there is a very much possibility कि हम सरक जाएं. आपने ये word सुना है सरकना? Yes ma'am. हाँ. सुना है ना? तो खाते वक्त अगर हम बात करेंगे तो हम सरक सकते हैं. तो ये खाना food pipe के बदले wind pipe में जा सकता है, जिससे हम सांस ले रहे हैं. तो या तो वापस आपके नाक में अटक जाए या तो जाके आपके विंड पाइप में अटक जाए. दैट इज व्हाई इट्स एडवाइजेबल नॉट टू स्पीक. आप बात नहीं करें. हाँ, बात नहीं करें. यू व्हेन यू आर च्यूइंग फूड तो आपका खाना फूड पाइप में रहेगा, विंड पाइप में नहीं. दैट इज व्हाई इट्स एडवाइजेबल नॉट टू स्पीक व्हाइल च्यूइंग फूड. ओके, नेक्स्ट क्या है? यू शुड ईट अ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे. कितने लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाते हैं? वर्ड हमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलर खाने चाहिए और सीजनल फ्रूट्स तो जरूर खाने चाहिए. You should eat a balanced diet. आपको diet balance लेने चाहिए. And you should eat at a fixed interval. या सुबह खाया फिर रात को खाया, इतना लंबा gap? No. या फिर हर 10 मिनट के बाद खाया? No. You should take your food at a fixed interval. सुबह खाए फिर 3 घंटे के बाद कुछ खाया, फिर 3 घंटे के बाद कुछ खाया. You should have a fixed interval for that. And last, you should drink at least 8 to 10 glasses of water daily. क्योंकि water is very important for digestion of food. खाने को डाइजेस्ट करने में हमारा वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो आप ऐसा नहीं कि हर खाने के साथ, हर एक बाइट के साथ पानी ले, लेकिन यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश फूड, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आपको तब तक मैं आपको होमवर्क देती हूँ. यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स इन योर फेयर कॉपी, पहला काम. सेकेंडली, यू हैव टू डू A, B and C in your book. अभी आप बुक निकाले, हमारे पास 5 मिनट का समय है, हम बुक में इसको करवाएंगे. एंड देन सारे बच्चे बुक निकालो, सारे बच्चे निकालो. एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, यू हैव टू राइट द सेम इन योर कॉपी. चलो बुक निकाल लिया, चलो. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द बॉडी ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड, क्या है? What is it called? Very good. Kumari Ashni ne bhi haath uthaya tha, but answer ke Uday ne diya hai. It is internal organs. internal, internal organs. Likh liya? Yes, ma'am. Number 2, flat teeth are in the dash of the mouth. Piche hai na flat teeth? Front. Flat teeth to piche hota hai na, back. कैसा होता है? होता है. ओके, मैम ने गलत बोला. यस, फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. फ्रंट, एफ आर ओ एन टी लिखिए, एफ आर ओ एन टी. जिया सिंह क्लास में हो ना बच्चे? जिया सिंह, आर यू देयर इन द क्लास? यस मैम. लिखा आपने? यस मैम. ओके, सो फ्लैट टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. नेक्स्ट, टंग इज यूज फॉर. आपके पास 3 ऑप्शंस है. यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर यू राइट स्पीकिंग, लिकिंग एंड टेस्टिंग. तीनों में से कोई 2 लिख लीजिए. लिकिंग, स्पीकिंग एंड टेस्टिंग, तीनों में से कोई 2 लिखिए. कोई भी 2, टेस्टिंग एंड स्पीकिंग, टेस्टिंग एंड लिकिंग. मैम, तीनों में से कोई 2 एंड टेस्टिंग. यस, यू कैन राइट एनी 2 फ्रॉम दीज 3. Any two from tasting and talking. Talking. चलो. I'm speaking. Okay. Next, saliva is secreted by. आधे बाद वाज बोलो. Liquid. आधे बाद वाज. Saliva is secreted by. Saliva glands. It is salivary glands. Saliva glands. Ma'am, salivary glands. Salivary glands. Jiya, last wala bolo. Flies can transfer dash to uncovered food. Germs. Yes, it is germs. It is germs. Ashna Sharad, apne aap ko unmute karo to beta. Ashna, unmute karo aur apna video bhi on karo. मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा. नहीं हो रहा है.
नो मैम। कोई बात नहीं आशना, अंदर ये करो, मैच करो तो बेटा। मिल्क टी किससे मैच करोगी? बोलो बोलो आशना, बोलो पहले बाकी लोग। हाँ आशना। यस मैम। बोलो मिल्क टी किससे मैच करना है? मिल्क टी द 20, अंडरलाइन इट, मैच करो 20 के साथ। यस मैम। लार्ज इंटेस्टाइन कौन बोलेगा? श्रेया कुमारी 4 4 पी। लार्ज इंटेस्टाइन आप नहीं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता क्या? एब्जॉर्ब वाटर। यस वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। परमानेंट टीथ किससे मैच करेंगे? मैम 20। परमानेंट टूथ 32। वेरी गुड। यस रेक्टम, रेक्टम अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड, वेरी गुड। अर्चना अंडर मैच कर रहे हो बच्चे? अर्चना Yes, ma'am. Are you doing the match? Match the following. Yes, ma'am. Good. Last is small intestine. What does the small intestine do? Absorption of digested food, ma'am. It is absorption of digested food. Very good. Very good. Very good. Now, your work is to complete A and B in your copy. सारे बच्चे keywords को लिखेंगे और A और B copy में करेंगे. हो जाएगा ना? Will you able to do it? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Okay, students, take a care of yourself. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.